हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पब्लिक और प्राइवेट राउट यानी प्रोटेक्टेड राउट्स देखा था। अब हम क्या करेंगे, लेआउट पर काम करेंगे। तो लेआउट के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर सोर्स और यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर लेआउट के नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे, लेआउट डॉट जे एस। इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इस डिव को कट करके फ्रेगमेंट को ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक डिव को ऐड कर देंगे विथ क्लास ऑफ मेन। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सब डिव क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लेआउट के लिए लेआउट। और इसके अंदर हम जो है दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वाला रहेगा साइड बार के लिए, तो साइड बार के नाम से एक क्लास क्रिएट कर लें। और उसके बाद में एक रहेगा कॉन्टेंट के लिए, सो कॉन्टेंट का एक डिव आपको बना देना है। तो दो डिव हमारे पास हो चुके हैं। साइड बार में मेन्यू शो कर लेंगे और साइड में जो है कॉन्टेंट को शो करेंगे। साइड बार में भी हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे लोगो के लिए और टेक्स्ट पे ऐड कर देता हूँ लोगो फिलहाल के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव जो है क्रिएट कर लेंगे मेन्यू के लिए और इसके अंदर रहेगा हमारे पास मेन्यू। और कॉन्टेंट के अंदर हमारे पास एक हेडर सेक्शन रहेगा, तो एक क्लास हम क्रिएट कर लेंगे हेडर के नाम से। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ हेडर। और उसके बाद में हमारे पास रहेगा कंटेंट, या फिर इसको कर लेते हैं बॉडी। और इसके अंदर पूरा जो है हमारा कंटेंट शो कराएंगे हम। सेव कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे, होम पेज को इससे जो है रैप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे चलते हैं, ये रहा डिव। डिव के बदले हम क्या करेंगे, इसको अब लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट। इसको इंपोर्ट भी कर लें, देखिए सजेशन शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा लेआउट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो हेडिंग थी हमारे होम पेज के अंदर वो शो नहीं हो रही है, तो उसको हमको शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है ना चाइल्ड एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है चिल्ड्रन और इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे प्रॉप्स में से। तो यहाँ पर आपको लिखना है चिल्ड्रन, सेव, रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार। तो देखिए बराबर से चाइल्ड एलिमेंट भी शो हो रहा है। अभी इसकी डिजाइनिंग नहीं है इसीलिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, लोगो, मेन्यू, हेडर और ये कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, एक सीएसएस की फाइल क्रिएट कर लेंगे और थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेंगे। तो src के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल के नाम से हमारे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे लेआउट डॉट सीएसएस या फिर लेआउट स्टाइल्स डॉट सीएसएस। और इसके अंदर जो है सभी को टारगेट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मेन को टारगेट कर लेता हूँ मेन। और इसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल की और इसकी जो हाइट है ना उसको 100 व्यू पोर्ट हाइट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर देंगे लेआउट में। सो यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट कर देना है, इम्पोर्ट डॉट डॉट स्लैश स्टाइल, स्टाइल्स के अंदर हमारे पास है लेआउट स्टाइल डॉट सीएसएस। सेव, चेक कर लेते हैं कुछ इफेक्ट हमको देखने मिलता है या नहीं, रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए हमको पैडिंग मिल चुकी है और हाइट भी हमको मिल चुकी है, मगर अभी वो विजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारे कंटेंट को जो है ना टारगेट कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, साइड बार को टारगेट कर लेंगे। साइड बार आप सेम टू सेम क्लास लिखें, यहाँ पर आपने जो लिखा है वही आपको यहाँ पर टारगेट करना है। और साइड बार की हम हाइट सेट कर देंगे सबसे पहले मिनिमम हाइट, और इसको कर देंगे 100%। विड्थ हम सेट कर देंगे 300 पिक्सल, ठीक रहेगा। इसमें मैं बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस ऑफ 5 पिक्सल। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी हम ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसको कर देंगे हम ब्राउन, या फिर कलर पिकर में से जो है कोई और कलर चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कोई डार्क वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये ठीक है। और यहाँ पर बॉक्स शेडो भी ऐड कर देता हूँ मैं, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, फिर 2 पिक्सल ऑफ ग्रे कलर कर देंगे इसको। और थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे राइट से, तो मार्जिन राइट ऑफ 20 पिक्सल। सेव करके एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। और इसको फ्लेक्स भी करना पड़ेगा हमको, मैं जो मेन को है ना डिफ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, चेक करते हैं। तो देखिए अब बराबर से यहाँ पर आ रहा है और ये कॉलम में आ रहा है दीदी। अब इसके बाद में हेडर और होम पेज को टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट को टारगेट कर लेंगे, कंटेंट, कंटेंट के अंदर हमारे पास विड्थ हम 100% कर देंगे, इसी तरीके से इसकी हाइट भी जो 100% हम कर देंगे। सेव, चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश। तो ये तो आ रहा है लेकिन ये
एक के नीचे एक आ रहा है ना, इसको भी फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम जो है सारी क्लासेस जो है ऐड कर देंगे। कंटेंट के बाद में हमारे पास है हेडर, हेडर को टारगेट कर लेना है अपने। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट सेट कर देंगे, इसकी 10 व्यू पोर्ट हाइट ठीक रहेंगी, छोटा सा हेडर सेक्शन रहेगा। और मार्जिन दे देंगे हम बॉटम से 20 पिक्सल। बॉक्स शेडो में ऐड कर लेता हूँ, उसमें भी 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 2 पिक्सल ऑफ ग्रे कलर। और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम इसमें, व्हाइट दे देंगे बैकग्राउंड कलर को, व्हाइट। सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए ये हेडर सेक्शन है, कुछ इस तरीके से बॉक्स हमको देखने मिल रहा है। और होम पेज है, होम पेज को भी हम टारगेट कर लेंगे। तो होम के लिए हमने बॉडी लिखा था, तो बॉडी को यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। सेम क्लासेस रहेंगी, बस हम इसकी हाइट चेंज कर देंगे और हाइट इसकी 90 कर देंगे, 85 व्यू पॉइंट हाइट। और बाकी सेम टू सेम इसमें हम रख लेंगे। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, सेव। चेक करते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर बॉक्स भी बराबर से आ रहा है, लेकिन ये क्लासेस में थोड़ा सा इशू है, तो इसको अभी हम फिक्स कर लेंगे। एक बार लेआउट कंपोनेंट चेक कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास अच्छा लेआउट है, हमने मेन को डीफ्लेक्स करा है ना, तो मेन पे से कट करके आप क्या करें, यहाँ पर लेआउट पे जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स कर ले। सो यहाँ पे आपको लिखना है डॉट लेआउट, और यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे हम फ्लेक्स। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए बराबर से ये साइड बाय साइड आ चुका है। और यहाँ पर कलर का कुछ इश्यू है, देखिए कलर भी ऐड कर देंगे साइड बार कलर, इसको कर देंगे वाइट। सेव, तो देखिए कलर आ चुका है। अब ये इसको हमको चेंज करना है, जैसे लोगो हमारा रहेगा उसको हम टारगेट करेंगे, या फिर अभी कर देते हैं। फिलहाल लोगो की भी क्लास थी अपने पास, तो इसके अंदर यहाँ पे मैं लोगो को टारगेट कर लेता हूँ, लोगो। और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज इसको कर देंगे 1 रैम। और फिर मार्जिन टॉप से दे देंगे, टॉप बॉटम दोनों ही कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और फिर 0 पिक्सल। सेव, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मार्जिन हमको मिल चुका है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 ऐड कर देंगे लोगो के अंदर, या फिर H4 या H6 कर देते हैं, H6 कर देता हूँ मैं। और इसका नाम हम रख देंगे टॉक ऐप। सेव, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और आई थिंक इसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर देंगे, तो मैं H6 को जो है ना टारगेट कर लेता हूँ, लोगो। फिर लोगो के अंदर जो H6 है इसको हम टारगेट कर लेंगे। सेव, इसको अलाइन कर देंगे पहले शुरू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको जो है 1.5 रैम कर लेते हैं। सेव, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। और इसके नीचे HR टैग में ऐड कर देता हूँ, ताकि हमको जो है हॉरिजॉन्टल रो मिले। सेव, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके नीचे हमारा सारा का सारा मेन्यू रहेगा, और मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा 20 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंटेंट में हमने 20 पिक्सल करा है ना, इसको 10 पिक्सल कर देंगे हम, 10 पिक्सल। सेव, तो देखिए अब बराबर ये लग रहा है। और आप इसकी हाइट और विड्थ को जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर बेसिक स्केलेटन तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू जो है क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे और वहां से मेन्यू लिस्ट को जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डेटा के नाम से फोल्डर बना देंगे, SRC, न्यू फोल्डर डेटा। और इस डेटा के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ नैव, या फिर इसको डेटा ही रख देते हैं फिलहाल के लिए, data.js। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देंगे। सो साथ ही में मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेन्यू, या फिर साइड बार मेन्यू कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि साइड बार में शो कराने वाले, इसीलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ साइड बार मेन्यू। ये रहेगा एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले नेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर होम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाथ ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको रिडायरेक्ट भी करना है, तो यहाँ पे पाथ। फिर उसके बाद में हम आइकन भी शो करा देंगे, सो आइकन। और आइकन को जो है हमको ऐड भी करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो है CDN लिंक हम कॉपी कर लेंगे, CDN.js पे जाइए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम, सभी के CDN लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो क्लिक करिए फॉन्ट ऑसम पर, और यहाँ से देखिए कॉपी लिंक टैग कॉपी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिक के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे, सो index.html फाइल, और यहाँ पर टाइटल से पहले इसको पेस्ट कर लेंगे। सेव, तो फॉन्ट ऑसम का अब हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, सो फॉन्ट ऑसम को हम सर्च कर लेंगे, फॉन्ट
awesome, और यहाँ से जो है आइकन्स को सर्च करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चलिए आइकन को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से होम के लिए सर्च कर लेंगे होम, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देखिए हाउस है, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से जो क्लास है ना, इसको आपको ऐड करना है। देखिए ये वाला एफ एस सॉलिड, इतना हम कॉपी कर लेंगे और डेटा में पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये पूरा ही आइकन कॉपी हो जाता है, तो पूरा नहीं चाहिए हमको, हम सिर्फ जो है इसकी क्लास को कॉपी कर लेंगे। कुछ इस तरीके से सेव कर लेते हैं। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, नेम, और इसका नेम रख देते हैं हम अपॉइंटमेंट्स। पाथ ऐड कर देना है आपको, स्लैश अपॉइंटमेंट। उसके बाद में आइकॉन, आइकन में हम क्या करेंगे, अगेन सर्च कर लेंगे। यहाँ से क्या करते हैं हम लिस्ट का कोई एक आइकन सर्च कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम लिस्ट शो कराएंगे। सो लिस्ट, और ये रहा फर्स्ट वाला, ही कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ से रिमूव कर लेंगे इसको। सेकेंड मेन्यू हमारा बन चुका है। इसी तरीके से थर्ड ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है, नेम, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाई डॉक्टर के नाम से एक क्रिएट कर लेंगे, अप्लाई डॉक्टर। उसके बाद में पाथ, पाथ में स्लैश अप्लाई डॉक्टर। आइकॉन भी ऐड कर देंगे आइकॉन, और डॉक्टर के लिए एक आइकॉन जो है हम सर्च कर लेंगे। सो यहाँ से आप क्या करें, डॉक्टर सर्च कर लें, डॉक्टर, यूजर डॉक्टर आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे और इसको जो कॉपी कर लेंगे पेस्ट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर की प्रोफाइल को भी मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे हम प्रोफाइल ऐड कर देंगे, प्रोफाइल, पाथ ऐड कर देना स्लैश प्रोफाइल। उसके बाद में आइकॉन, आइकॉन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर का आइकन सर्च कर लेंगे, यूजर से रिलेटेड कोई अच्छा आइकॉन रहा तो हम यूज कर लेंगे। यूजर, ये रहा यूजर के लिए, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको, और इसकी क्लास को ही यहाँ पर हम यूज करेंगे। फिर रहेगा लॉग आउट के लिए, लॉग आउट के लिए भी ऐड कर देंगे लॉग आउट, पाथ, और यहाँ पर कोलन है, बार बार इक्वल यहाँ पर टाइप हो रहा है, लॉग आउट। उसके बाद में आइकॉन, आइकॉन सर्च कर लेंगे लॉग आउट के लिए, लॉग आउट, और ये वाला फर्स्ट कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और आई टैग को रिमूव कर लेंगे। डायनेमिकली हम जो इसको मैप करा के शो कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो सक्सेसफुली हमारा साइड बार मेन्यू जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, लेआउट में जो है मैप करा देंगे। सो लेआउट, और ये जो मेन्यू था इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैप करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइड बार मेन्यू, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी इम्पोर्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मैप करा लेंगे। सो डॉट मैप, मैप मेथड क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है, यानी लूप का काम करता है, और इसमें से हमको क्या मिलेगा, मेन्यू मिलेगा। तो इस मेन्यू को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। सो यहाँ पर हम रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न, रिटर्न के अंदर फ्रेगमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिव क्रिएट कर लेंगे, और इस डिव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं मेन्यू आइटम करके कर लेता हूँ, मेन्यू आइटम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक का भी यूज कर लेंगे और आई टैग का भी यूज करना है। आइकन के लिए हमने आई का यूज करना है, सो आई, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे इसको, क्लास नेम, और ये डायनेमिक रहेगा, सो कर्ली ब्रेसेस, और मेन्यू है अपने पास, मेन्यू के अंदर हमारे पास आइकॉन की फील्ड है, तो उसको हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट भी हमको शो कराना है, और ये लिंक है तो आप इसमें लिंक का टैग यूज कर सकते हैं, लिंक, और इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिंक को इम्पोर्ट कर देता हूँ, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर टॉम, और ये नीचे इम्पोर्ट हो गया, टॉप वाले को कट कर देता हूँ। चलते हैं वापस नीचे, और यहाँ पर लिंक का यूज कर लेंगे, लिंक, और लिंक के अंदर आपको जो है मेन्यू के अंदर से जो नेम आ रहा है ना, उसको जो है पास करा देना है नेम, और यहाँ पर टू के अंदर जो है पाथ को प्रोवाइड करना है। सो टू के अंदर आप क्या करेंगे, हमने पाथ का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पास करा देंगे, मेन्यू डॉट पाथ, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं ब्राउजर पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे मेन्यू जो है एक्सट्रैक्ट होके आ गए हैं, होम, अपॉइंटमेंट, और ये सारे लिंक्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे हमको रिडायरेक्ट भी करेगा। अब हमको क्या करना है, इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन हम लेआउट सीएसएस में ही कर लेंगे। नीचे चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन्यू आइटम को टारगेट कर लेंगे, मेन्यू आइटम, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, इसमें हम मार्जिन दे देंगे टॉप से 30 पिक्सल, और फिर एंकर टैग्स को जो है टारगेट कर लेंगे। सो मेन्यू आइटम, इसके अंदर लिंक जो है वो एंकर टैग होते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम में इसको एज अ लिंक ट्रीट करते हैं, मगर होता वो एंकर टैग ही है। तो इसका कलर जो है ना चेंज कर लेंगे हम, कलर व्हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे हम नन, और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 1.2 रैम, सेव कर लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेन्यू आ रहा है, और यहाँ पर आइकन को भी चेंज करना पड़ेगा, और मेन्यू को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना पैडिंग ऐड कर देंगे, या फिर मार्जिन ऐड कर देते हैं मेन्यू को भी, मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल। तो देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हमको अपर में स्पेस मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है
आई टैग को भी टारगेट कर लेंगे, डॉट मेन्यू आइटम आई, और आई के अंदर हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज इसका कर देंगे सेम 1.2 रैम, और थोड़ा सा इसमें मार्जिन हम ऐड कर देंगे, मार्जिन 0 पिक्सल टॉप बॉटम से, और साइड से जो है 15 पिक्सल ऐड कर देंगे, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे मेन्यूज आ रहे हैं, होम अपॉइंटमेंट्स अप्लाई डॉक्टर, और यहाँ पर एक्टिव की क्लास भी हम अप्लाई कर देंगे, सो एक्टिव की क्लास भी आपको ऐड कर देना है। एक्टिव, एक्टिव पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है ना व्हाइट कर लेंगे, और फोर कलर जो रहेगा उसको हम ऊपर जो हमने थीम का कलर जो ऐड किया था उसको ऐड कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और कर्सर चेक कर लेते हैं एक बार, पॉइंटर ही है ना, ओके कर्सर पॉइंटर ही है, सेव कर लेते हैं, और इस एक्टिव की क्लास को हमको डायनेमिकली अप्लाई करना है, तो एक्टिव क्लास के लिए हम क्या करेंगे, यूज लोकेशन हुक का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक वेरिएबल में ऐड कर देंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे लोकेशन के नाम से, यूज लोकेशन, क्योंकि ये हुक है इसीलिए हमको वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ता है। अब इस लोकेशन की मदद से हम क्या करेंगे, एक्टिव की क्लास अप्लाई करेंगे हमारे मेन्यू पर, रिटर्न से पहले हम क्या करेंगे एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट इज एक्टिव इक्वल टू, हमको क्या करना है लोकेशन का पाथ चेक करना है, सो लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर इक्विवेलेंट है मेन्यू डॉट पाथ से, तो ये हमको चेक करना है, अगर ये है तब क्या करेंगे हम इसको अप्लाई कर देंगे। इस मेन्यू आइटम को हम क्या करेंगे यहाँ से डायनेमिक कर लेंगे, सो पहले इसको जो है रैप कर ले आप कर्ली ब्रेसेस में, बैक टिक के अंदर इसको ऐड कर देंगे, पहली हमारी मेन्यू आइटम की क्लास है, उसके बाद में डायनेमिकली जो हम क्या करेंगे चेक करेंगे इज एक्टिव, अगर इज एक्टिव है तब क्या करो इस पे जो है एक्टिव की क्लास अप्लाई कर लो, और इसको कोटेशन के अंदर लिख लें, सिंगल कोटेशन में आपको ऐड कर देना है, सेव। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ओके थोड़ा स्टाइलिंग यहाँ पर हमारी मैसअप हो चुकी है और यहाँ पर वन ऐड हो चुका है, इसको कट कर लेते हैं, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, और कलर अप्लाई नहीं हुआ ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक्टिव की क्लास में थोड़ा सा और काम कर लेंगे, और फिर अगर एक्टिव है तब क्या करो हम यहाँ पे एंकर टैग को भी टारगेट कर लेंगे, और इसका जो कलर रहेगा ना फोर कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ से इसको कट करके इसमें पेस्ट कर लेंगे, और थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे इसके अंदर 10 पिक्सल ठीक रहेगा, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, होम सेलेक्टेड है, कन जो है चेंज हो चुका है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमा लगा के एक्टिव और फिर आई को भी टारगेट कर लेंगे, सेव। चेक कर लेते हैं अब, तो देखिए अब परफेक्टली आ रहा है, तो सक्सेसफुली हमारा लेआउट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें हमको बहुत सारा काम करना है, कंटेंट शो कराना है, हेडर में नेविगेशन मेन्यू भी हम ऐड कर सकते हैं, और जितना भी कंटेंट रहेगा हमको यहाँ पर शो कराना है।